कर्मकार घोटालों को लेकर लगातार परतें खुलती जा रही है। श्रम विभाग से निरीक्षण दल जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचा। विभागीय जांच दल ने संबंधित ऑपरेटरों से पूछताछ कर मामले की परतें खोलने का प्रयास किया। निरीक्षण दल ने संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर से जानकारी लेते हुए उक्त मामले की बिंदुवार पूछताछ की है। ज्ञात हो कि सोमवार को जिला स्तरीय निरीक्षण दल सभी दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में जब्त कर ले गया था, जिससे श्रम विभाग के जांच दल को कोई दस्तावेज नहीं मिले। प्रदेश स्तरीय जांच दल ने जिला पंचायत की ओर से दस्तावेज देकर मामले को खंगालने की बात कही। उक्त मामले को लेकर लगातार परत दर परत खुलती जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रदेश स्तरीय जांच दल से शिकायत करते हुए कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर अपने घरों से कर्म कार्ड बनाने का कार्य करते हैं। हालांकि इस मामले की पुष्टि अभी नहीं की गई, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। सिरौन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। यहाँ पे जो विवाह सहायता अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं मध्य प्रदेश भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत, उसमें एक जांच दल का गठन किया गया है प्रदेश स्तर पर। उस जांच दल द्वारा यहाँ के प्रकरणों की जांच की जाए। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था प्रदेश स्तरीय जांच की, वही कमेटी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कल सीओ ने बैठक में अपनी ये कहा है कि विधानसभा में गलत जानकारी दी गई है और यहाँ पे इतनी शादियाँ नहीं हुई हैं। पाँच साल का आंकड़ा दे दिया, क्या विधानसभा में गलत जानकारी अभी मंत्री दे देते हैं? ये जांच उपरांत पता चला। नहीं तो अब श्रम मंत्री ने जांच का आंकड़ा भी बताया था शादी कितनी हुई, उसके बाद सीओ साहब ने कहा है कि इतनी शादी नहीं हुई, वो आंकड़ा गलत है। ये पोर्टल की जानकारी है जो दी गई थी। पोर्टल का ये बता रहे हैं, ये 2018 के बाद अपडेट ही नहीं हुआ, फिर ये आंकड़ा कैसे निकला? नहीं नहीं, पोर्टल की जानकारी है। भवन निर्माण कर्मकार मंडल एक अलग मंडल है जिसमें निर्माण श्रमिकों का पंजीयन होता है। ये जो जानकारी है ये पोर्टल की जानकारी से ही दी गई है। मैडम कल रिकॉर्ड जब्त कर ले गए जिला सीओ साहब, अब आप जानकारी कैसे दी? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम अभी यहाँ पे हमने कंप्यूटर ऑपरेटर्स और स्टाफ के जो ये मंडल का काम देखते थे उनके कथन लिए हैं। अभी हम यहाँ से जिला पंचायत सीओ साहब के यहाँ जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार रिकॉर्ड हम भी उसको देखेंगे और उसके उपरांत कार्रवाई। दूसरा ये मैडम जो ये जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं जो ऑपरेटर हैं इनकी नियुक्ति संदिग्ध है। सीओ साहब कह रहे हैं कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जबकि यहाँ के जनपद अध्यक्ष और हेड क्लर्क का कहना यह है कि इनको तनख्वाह नहीं मिलती, ये यहाँ के कर्मचारी नहीं है। अन्य कर्मचारी भी ऐसा ही बोलते हैं कि ये यहाँ के स्थायी कर्मचारी नहीं है। इसके बारे में ये हमारा मसला नहीं है, हम लोग प्रदेश स्तर से जांच करने आए हैं, हम इस बारे में जांच हितग्राही से पूछे जाए। बिल्कुल हितग्राहियों से जरूर, हितग्राहियों से जरूर इसमें संपर्क किया जाए। जितने हितग्राहियों को नाम दिया ग्राम पंचायत स्तर, उनसे बात होगी तो सही सत्य सामने आएंगे। बिल्कुल 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 सही बात। अच्छा ऐसी भी चर्चा है कि कुछ जिन लड़कियों की उम्र ही नहीं है उनकी भी शादियाँ हो गई, मतलब शादी हुई नहीं है उनका भी कम कार्ड बन गया आपके? अभी वही जांच करेंगे हम लोग, अभी हम लोग को समय दिया गया है इसमें 15 दिन का, हम उस 15 दिन में। दूसरा ये कि जन चर्चा का विषय है कि जो भी इन्होंने काम किया है वो यहाँ पर नहीं किया, अपने घर बैठ के किया है, इनके घर पे रेट डाली जाए। इनके कंप्यूटर कर्मकार मंडल के फर्जी कार्ड वगैरह बनाए, ये घर से इशू करते थे और पूरे पैसे का लेन देन इनके घर पे रात में होता था। आपको सूचनार्थ बता रहे हैं, क्या इस संदर्भ में कार्रवाई करेंगे ऑपरेटर? नहीं, ये हमारा जो हमको जो निर्देश है हम उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। ये हमारे अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना जिम्मेदारी से आपको दे रहे हैं तो क्या उसको नजर आपको? नहीं, हम अपने जो हमारे से रिलेटेड विभाग से रिलेटेड जो भी तथ्य होंगे वो हम अपने जो हमारे प्रमुख सचिव महोदय उनको हम अवगत करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।